आइए, आज लाभ हानि का पहली क्लास है। लाभ किसी भी चैप्टर की पहली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहां हम सिर्फ 5 मिनट कुछ बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बात से क्या मतलब समझ रहे हैं? यानी हमें यह पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और हमने 120 रुपए में बेच दी, तो हमें कैसे पता चला कि लाभ हुआ या हानि हुई? हमें 100 रुपए के आधार पर पता चला, हम जितने रुपए में वस्तु खरीद कर लाए उसी आधार पर हमें पता चलेगा कि वस्तु पे लाभ होगा या हानि होगी। प्रॉफिट बराबर अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तभी हमारा लाभ होगा। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। 100 रुपए में लेकर आए और 80 रुपए में बेच दिया, यानी 100 रुपए की वस्तु 80 में बेच दी, तो लाभ होगा हानि? हानि होगी। ऐसे ही अगर 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेची तो लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने रुपए में खरीद कर लाए, कितने रुपए में बेची, वो लाभ गुणा 100। देखिए गुणा 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं और सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है लाभ या हानि। ठीक है, और यदि कभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकलवाएगा, एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। बस हमने ये एक ही फार्मूले का प्रयोग करना है पूरे चैप्टर में, और इसके बाद तेजी से इसको हल कर देंगे। चलिए पहले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी बटे एसपी बराबर 4/5। यहां से अगर हमने रेशियो निकाला तो क्या आ गया, 4:5। 4 रुपए का माल 5 रुपए में बेचोगे तो फायदा होगा या नुकसान? कितने का फायदा होगा? एक का फायदा हो रहा है। आपसे बात कर रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहां पे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? एक का। सीपी की वैल्यू कितनी है क्रय मूल्य की? 4। और जब प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई 25%। ठीक है, एक मेथड ये है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे?
हम डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दे रखा है पांच वस्तुओं का, हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, तो एक वस्तु का वन अपॉन कितना करेंगे, फाइव, रेशियो वन अपॉन फोर। यह अनुपात के तरीके से है, यहां से तिरछी गुणा करी, चार रेशियो पांच, कितने का अंतर आया, एक का। प्रॉफिट बराबर एक बटे चार गुणा सौ, 25%। ठीक, इस तरीके से डायरेक्ट और मेथड से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य, तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक वस्तु का एक बटे तीन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक बटे दो, क्या आ गया रेशियो, दो रेशियो तीन। कितने का माल, दो का माल तीन में बेचा, लाभ कितने का हुआ, एक का। तो प्रॉफिट बराबर एक बटे दो गुणा सौ, कितने परसेंटेज लाभ, 50%। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन में अभी तो हम बोल रहे हैं कि लाभ बताओ या हानि बताओ, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। यानी वहां पर आपको खुद ये देखना है कि लाभ होगा या हानि होगा। यहां पर तो आपको पता चल रहा है, सवाल में दिया है, लेकिन आपको सवाल में खुद कहेगा लाभ या हानि निकालें। क्वेश्चन लिखिए, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए, कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एकदम बच्चा वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। ये रेशियो मेथड से हम कर रहे हैं कि 60 अंडों का एक अंडे का मूल्य निकाला, अगर कट जाए तो काट लो, छोटा कर लो, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, तिरछी गुणा करी, 5:4, 5 रुपए का माल 4 रुपए में बेचा, 5 रुपए का माल 4 में बेचा, तो फायदा हुआ या नुकसान, लॉस परसेंटेज, कितने का नुकसान हो रहा है, एक का। क्रय मूल्य क्या है, 5, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 20% की हानि। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए, टाइप चेंज, क्वेश्चन चेंज। राम ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर, राम ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर, राम ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर
₹15 में 10 खिलौने के भाव से बेच दिए। राम ने ₹10 में 15 खिलौने खरीदकर ₹15 में 10 खिलौने के भाव से बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। राम ने ₹10 में 15 खिलौने खरीदकर ₹15 में 10 खिलौने के भाव से बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आइए देखिए इसको पहले समझते हैं कैसे करेंगे। क्या कह रहा है सवाल कि ₹10 में 15 खिलौने खरीदे, क्रय किए, सीपी करे, और ₹15 में 10 के भाव से बेच दिए। अभी जो हमारा सवाल है यानी ए वस्तु ₹20 में और बी वस्तु ₹A में, यहां पर संख्या कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी कि यहां जो संख्या लिखी होगी वो यहां आ जाएगी और यहां जो संख्या लिखी होगी वो यहां आ जाएगी। तिरछी गुणा करिए, 10 × 2 = 100 और 15 × 15 = 225। देखिए अगर कोई वस्तु ₹100 में खरीदी गई और बेची गई ₹225 में, ₹100 में खरीदकर ₹225 में बेचा तो कितने रुपए का, अभी हम रुपए की बात कर रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है, 125 का, यानी कितने का, 125 का। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 125 अपॉन क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है और गुणा 100, 100 से 100 गया 125%। आपको यह देखना है कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों का अंतर किया वही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्टकट देखोगे इसका, देखिए शॉर्टकट सीपी अनुपात एसपी अमाउंट अपॉन गुड्स, जो हमने सामान क्रय किया और जो हमने विक्रय किया, अमाउंट अपॉन गुड्स कितने रुपए में, 10 रुपए में। कितनी वस्तु, 15 वस्तु और 15 रुपए में 10 वस्तु। कटे तो काट दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। तिरछी गुणा, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। 4 का माल 9 में बेचा तो फायदा हुआ या नुकसान, फायदा। प्रॉफिट बराबर कितने का फायदा, 5 का, किसके मुकाबले, सीपी क्या है, 4 और गुणा 100, 25×5 = 125%। देखिए ठीक है, यानी हमने यहां पर ये वाला भी टाइप पिछले वाले टाइप की तरह कराया। ठीक है, सुनीता ने 80 टॉफियां ₹5 में 4 के भाव से खरीदकर, सुनीता ने 80 टॉफियां ₹5 में 4 के भाव से खरीदकर, सुनीता ने 80 टॉफियां ₹5 में 4 के भाव से खरीदकर ₹4 में 5 के भाव से बेच दिया। सुनीता ने 80 टॉफियां ₹5 में 4 के भाव से खरीदकर ₹4 में 5 के भाव से बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, रेशियो के मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से। ठीक है, उससे बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चन। अमाउंट ₹5 में 4 के भाव से खरीदा और ₹4 में 5 के भाव से बेच दिया, 5×5 = 25 और 4×4 = 16, 25 का माल 16 में बेचा, 25 का माल 16 में बेचा तो फायदा या नुकसान,
कितने का नुकसान? 9/25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 9 चौक 36, 36% की हानि। ठीक है, अगर संख्याओं के आधार पर आएगा तब भी ऐसे करना है, और सवाल अगर कितनी भी टफ लैंग्वेज में आएगा तब भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे, और 22 अमरूद एक्स रुपए में बेचे, यदि एक्स बड़ा हो 22 से, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? देखिए सीपी रेशियो एसपी, सबसे ऊपर क्या रखते हैं? कीमत, और नीचे वस्तु। 22 रुपए में एक्स अमरूद और एक्स रुपए में बाई अमरूद, तिरछी गुणा करी 22² / x² ये कह रहा है कि यदि एक्स बड़ा हो 22 से, यानी एक्स का मतलब एसपी बड़ा हो, भाई देखिए एसपी की वैल्यू तो आ रही है एक्स स्क्वायर, यानी 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा। अगर एक्स बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो कैसे लिखेंगे? x² - y² / क्रय मूल्य क्या है? 22 गुणा 100। प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। यानी हम क्या करते हैं, जैसे अगर यहां पे संख्या होती तो हम जो अनुपात आता था घटा के सीधे लिख देते थे, अब यहां कोई संख्या तो है नहीं तो हमने जो वैल्यू है x² / y² डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, रमेश ने कुछ वस्तु 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? यहां पे अलग अलग सामान है, अलग अलग कीमत है। देखिए सीपी एसपी, वस्तु कीमत 5 रुपए में 4 के भाव से और 8 रुपए में 6 के भाव, यहां पर सारी की सारी संख्याएं अलग अलग हैं, कुछ नहीं करना, जो हमने अब तक करा है वही करेंगे। 6 × 5 = 30 और 8 × 4 = 32, क्रय मूल्य हमारा कितना आया? 30 और विक्रय मूल्य कितना आया? 32। 30 का माल 32 में बेचा, कितने का अंतर आया? 2 का, यानी 2 का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज 2, नीचे क्या लिखेंगे? हमेशा क्रय मूल्य और गुणा 100। छह सही, 2/3% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो मेथड से डायरेक्ट करते तो कैसा करते? अमाउंट अपॉन गुड्स, पहले कितना अमाउंट है?
पांच रुपए का और सामान कितना है? चार। उसके बाद? और छह। कटे तो काट दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, तिरछी गुणा कर दो, पांच तीन पंद्रह और आठ दूनी सोलह। पंद्रह का माल सोलह में बेचा, यानी फायदा हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज एक का फायदा हुआ, क्रय मूल्य कितना है? पंद्रह गुणा सौ, पंद्रह छक्का नब्बे, पांच दूनी दस और पांच तीन पंद्रह, छह सही, दो बटे तीन परसेंटेज का प्रॉफिट। ठीक है, यह भी मेथड अच्छा है और यह भी मेथड अच्छा है, जो आपको उचित लगे उससे करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश दस रुपए में बारह अंडे खरीदता है। महेश दस रुपए में बारह अंडे खरीदता है। और बीस रुपए में सोलह अंडे के भाव से बेच देता है। महेश महेश दस रुपए में बारह अंडे खरीदता है और बीस रुपए में सोलह अंडे के भाव से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? दस रुपए में बारह अंडे खरीदे और बीस रुपए में सोलह के भाव से बेच दिए, दो पंजे दस, दो छंग बारह, चार पंजे बीस और चार चौक सोलह, दो दूनी चार और दो तीन छह और पांच से पांच गया, कितना बचा? तीन और दो, तिरछी गुणा कर दी तो दो ये इधर आ गया और तीन इधर आ गया, दो का माल तीन में बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज एक का फायदा हुआ, एक बटे दो गुणा सौ, 50% प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? पच्चीस रुपए में बीस, पच्चीस रुपए में बीस के भाव से खरीदा और अठारह रुपए में पंद्रह के भाव से बेच दिया, पांच चौक बीस और पांच पंजे पच्चीस, तीन पंजे पंद्रह, तीन छंग अठारह, नहीं कटेगा, तिरछी गुणा, पांच पंजे पच्चीस और छह चौक चौबीस, पच्चीस रुपए का माल चौबीस रुपए में बेचा, कितने की हानि हुई? क्रय मूल्य पच्चीस गुणा सौ, पच्चीस चौका सौ, कितने का नुकसान हुआ? चार प्रतिशत का नुकसान। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को पंद्रह रुपए में आठ की दर से खरीदता है। यहां पर जो कुछ वस्तु दे रखी है ना, यहां अगर संख्या भी दे दे तब भी आपको ऐसी करना, यहां दे देता कि 300 वस्तुएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको उन वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 300 वस्तुएं सारी की सारी खरीदी और सारी की सारी बेची जा रही है, उसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, कुछ भी
बचाया नहीं जा रहा है। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। और उन्हें 18 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। और उन्हें 18 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? पंद्रह रुपए में 8 की दर से खरीदा और 18 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 और 8 × 3 = 24। 25 रुपए का माल 24 में बेच दिया। समझदार व्यक्ति या बेवकूफ व्यक्ति? तो जो बेवकूफ होगा तो क्या कराएगा, वो हमेशा नुकसान। 1 रुपए का 1 का अनुपात यहां दिखाई दे रहा है और क्रय मूल्य कितना है, 25 × 100, 25 × 100, 4% की हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। सवाल को तो हम इसी तरीके से करेंगे, जब हमने ये तरीका अपनाया है तो आपको मान के चलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। कहानी यह है कि एक दुकानदार या एक कोई व्यक्ति है जो मार्केट में गया, उसे वहां पर दिखाई दिया कि 2 रुपए में 3 सेब मिल रहे हैं। उसने खरीद लिया और जैसे ही वो वहां से वापस लौट रहा था तो उसे कहीं 1 रुपए में 4 सेब वाला दिखाई दे गया। तो उसने सोचा कि ये और सस्ते हैं, उसने वहां से वो भी खरीद लिया। अब वो 2 बार उसने क्रय किया है और बेचेगा 1 बार, बस इतना ही अंतर होगा पिछले टाइप के सवाल में और इस टाइप के सवाल में। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से, एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, और उतनी ही 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। वह उन सबको 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दो बार क्रय कर रहा है और 1 बार बेच रहा है। कितनी वस्तु? 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। यानी ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है। हम यहां पे सबसे पहले ये निकालेंगे कि वो वस्तु कितनी है। वो वस्तु कैसे निकालेंगे, इस तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये खरीदा और इनको मिला के ये बेचा, तो इस संख्याओं का एलसीएम निकाला कितना आएगा। बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हैं, 5 × 15 = 30, 30 वस्तु खरीदी होंगी 1 रुपए में 2 के भाव से, फिर 30 रुपए में 2 रुपए में 3 के भाव से, कितनी वस्तु हो गई, उन सब की बात कर रहा है।
दो वस्तु, एक रुपए में दो वस्तु, तो 30 वस्तु के लिए आपने यहां से इसको भाग किया, कितनी आ गई? 15। यहां कितनी आ गई? 10। और यहां कितनी आ गई? 12। इनकी मल्टीप्लाई करा अगर हम कीमत निकालेंगे टोटल, तो कितनी आएगी? यानी यहां पर वस्तु आई होंगी 15 रुपए की, यहां वस्तु आई 20 रुपए की, यहां हमने बेच दी 36 रुपए में। हमने दो बार मार्केट में क्रय किया, एक बार 15 रुपए में, एक बार 20 रुपए में। कितने रुपए में क्रय किया? 35 रुपए में। 35 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया, तो फायदा या नुकसान? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज। फायदा कितने का हो रहा है? एक का। और क्रय मूल्य 35 गुणा 100, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 = 6/7%। ये भी शॉर्ट मेथड है, लेकिन ऐसे नहीं करना, हम इसको रेशियो वाले मेथड से करेंगे, ठीक है? रेशियो वाला मेथड क्या है, आइए देखिए। दो बार खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, दो वस्तुओं को ही तो बेच रहे हैं, तो हमने यहां एसपी को डबल कर दिया। क्या है अमाउंट? अमाउंट कितना है? एक। और सामान कितना? दो। अमाउंट कितना है? दो। और सामान कितना है? तीन। रेशियो। कीमत कितनी है? तीन। और ये 5 × 2। बस इसको हल करना है। एलसीएम यहां से देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 7/6। रेशियो 6/5। 7 × 5 = 35 और 6 × 6 = 36। 35 रुपए की वस्तु 36 में बेची। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? एक का। 1/35 × 100 कितना आ गया? 6 × 2/3% का प्रॉफिट, ठीक है? ये रेशियो मेथड, ये प्रॉपर मेथड। एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपए में तीन की दर से खरीदता है। और वह उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और वह उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 4 की दर से, तथा उन सभी को 2 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एक रुपए में 3 और 1 रुपए में 4, मार्केट में दो बार उसने क्रय किया और 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। एलसीएम कितना आएगा? 12। 3 × 12 और 4 × 3 = 12, 4/3, 7/12, 4/3, 7 × 3 = 21 और 12 × 48। देखिए रेशियो अगर कटे तो काट दो, 3 × 7 = 21 और 16 × 3 = 48।
सात का माल 16 में बेचा, प्रॉफिट हुआ या नुकसान? प्रॉफिट कितने का? 9 का। और गुणा 100, कितना आएगा? 900/7%। इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, 900/7। ब्रेक करके लिखोगे 128 सही, 4/7%। ठीक, एक दुकानदार 300 वस्तु 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है, तथा 600 वस्तु 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। एक दुकानदार 300 वस्तु 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदता है, तथा 600 वस्तु 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है, तथा उन सभी को 2 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है, तथा उन सभी को 2 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? देखिए, यहां पर कुछ नहीं करना, एक काम बढ़ा दिया है, बस उसी को देखिए। पहले कह रहा है भाई, हमने क्या बताया, CP+CP बराबर या रेशियो SP×2, क्योंकि 2 बार खरीद रहा है, 1 रुपए में 2 के भाव से खरीद रहा है, कितना सामान है? 300, तो 300 से यहां गुणा कर दिया, और 1 रुपए में 3 के भाव से खरीद रहा है, कितना सामान है? 600। अब सामान कितना हो गया? 600 ये और 300 ये, 900। अब देखिए, ये हमारे पास फार्मूला था, अब यहां पर हमें इस 2 की कोई जरूरत नहीं है भाई, वहां पर समान था, अब यहां पर टोटल हमने 900 वस्तुएं कर ली, इसलिए यहां पर हमें अब 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। कितने की दर से बेच रहा है? 2 रुपए में 3 के भाव से, यानी हमने ये वाला जो 2 लिखा है ये नहीं लिखा है, 2 रुपए में 3 के भाव से काटो, 150, 200, 300, यानी 150+200 रेशियो 600, 350 में खरीदा, 600 में बेचा, समझदार या बेवकूफ व्यक्ति? 350 में खरीदा और 600 में बेचा, तो प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का? 250 का। क्रय मूल्य कितना किया? 350/100, 0 से 0 गया, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 500/7% का लाभ। इसको ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर दो, 77 सही, 3/7% का लाभ। आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर देखे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आज ये हमारी लाभ हानि की पहली क्लास थी, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।